कौन सा फोन है आपके पास मेरे पास आई फोन फिफ्टीन प्रो मैक्स थे एक साल से यहाँ पे तो पहले चार महीने में गाड़ी ले रही थी हाँ जी ले ली तो आप क्या बोलोगे स्टूडेंट्स को यहाँ पे आना चाहिए या नहीं आना हाँ जी तो आपका कोई दूसरे कंट्री से रिजेक्शन था या ऑस्ट्रेलिया से था ऑस्ट्रेलिया से रिजेक्शन था हाँ और यहाँ पे पहली में हो गया है? पहली इंटरव्यू नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया, आई है। तो लेवल के, के लिए कितने है? अब की। सेविंग होती, है, बट इतनी नहीं होती। आ, मैं क्या करूंगा कि आपका इंस्टाग्राम भैया आपका भी डालूगा अगर किसी को हेल्प चाहिए आपकी वीजा के रिगार्डिंग या फिर जैसे आपकी एसओपी की नॉलेज मुझे बहुत अच्छी लगी तो कुछ क्वेश्चन हो गए तो आपको पूछेंगे तो ट्राई करना आंसर देने की ऐसा नहीं की आया हूँगा में जो पीछे देख रहे हो टेक्नोलॉजी वो एक कॉलेज है तो यहाँ पर हमारे इंडियन स्टूडेंट्स भी आते हैं तो हम लोग ट्राई करते हैं उससे है, है। तो है इंडिया, 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 इंडिया से हो मैं है ना थोड़ा सा आपका इंटरव्यू लूंगा चार पांच क्वेश्चन पूछूंगा ये माइक आप पकड़ लीजिए और जितने भी इंडिया के स्टूडेंट्स है उन लोग को यहाँ पे आना है हम लोग ये ट्राई करेंगे कि उसको जो सच है ना वो पता चले देवेंद्र सिंह देवेंद्र सिंह आपको अमन, अमन, अमन। आप कितने से हो यहाँ पर? ए, एक साल हो गया एक साल से यहाँ पर? हाँ जी और आप वीक अच्छा एक भी हुआ हाँ भी? भी एक है है। चलो बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन मिल गया है <laughs> तो अमरिंदर भैया नाविंदर दविंदर सॉरी क्या स्टडी कर रहे हो आप बेकिंग की बेकिंग एक साल से अब यहाँ पे हो रहा है ठीक है सब बढ़िया है

और हाँ, तो, में में ये एक फायदा है हाँ, है कि आप अगर वो में, आ, तो, तो फर्स्ट प्रेफरेंस है, कहीं ना जो मिले तो फार्म की तो यहाँ पे मिल ही जाती है कहीं भी चले जाओ में वो तो फिक्स ही है तो क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर आप न्यूजीलैंड में आ गए तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार इंडिया से पैसे मंगवाने पड़ रहे हैं ऐसा तो होगा नहीं नहीं ऐसा नहीं है मेहनत करोगे तो कुछ नहीं है घर पे बड़े रहोगे तो मंगान ही पड़ेंगे वो तो ऑब्वियसली बात है घर पे है तो

तो, तो। वो लाइक वो लाइक आपको पहले दे देते दे हाँ जी घर पे जाके हाँ घर पे टाइम दे, दे देते हैं दो वीक का या तीन वीक का तो लास्ट डेट होती है तो उसमें इसको कर दो और ये भी फायदा है कि आपकी असेसमेंट गलत हो जाती है तो आपको यहाँ पे बताते भी है कि आप इसे रिसबमिट कर दो आपको एक वीक का टाइम है थोड़ा बढ़िया बढ़िया तरीके से कर दो तो ऐसे बढ़िया समझा देते हैं तो ऐसा नहीं है चैट जीपीटी से लिखे तो क्या होगा चैट जीपीटी से तो वो सीधा ही कर देते हैं मेरे पास मेल आई हुई है क्या कि आपने पूरा चैट से उठाया है आपकी असेसमेंट नहीं क्लियर होगी आप अपने खुद के वर्ड लिखो अच्छा फिर खुद नहीं <laughs> फिर खुद को लिखना पड़ेगा अच्छा तो आप एक साल से यहाँ पे हो हाँ जी आपको क्या लगता है आपका पीआर हो जाएगा पीआर हो भी सकता है नहीं भी दोनों बात है तो नहीं क्यों हो सकता है नहीं ऐसा है कि उसके कोर्स के रिलेटेड जॉब नहीं मिलेगी तो नहीं होगा कोर्स के रिलेटेड जॉब मिल जाएगी तो हो जाएगा अच्छा चलो आ, और जॉब पे डिपेंड करता है कितने पॉइंट मिलते हैं क्या सिस्टम है तो जॉब की अगर हम लोग बात करेंगे तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे मैं सीधे आपको पूछता हूं कि आपके पास गाड़ी है हां जी गाड़ी है कितने की ली थी गाड़ी 12000 और कब ली थी इसको हो गए हैं 7 मंथ तो समझ सकते हैं कि आप एक साल से यहाँ पे से तो पहले चार महीने में गाड़ी ले ली थी हाँ जी ले, ले थी गाड़ी तो तीसरे दिन ही ले ली थी बट वो खराब हो गई थी अच्छा तो फिर थोड़ी बढ़िया ली तो लग कहने का मतलब ये कि बंदे ने तीन से चार महीने में छह लाख रुपए कमा लिए और गाड़ी भी ले ली हाँ जी तो आप क्या बोलोगे स्टूडेंट्स को यहाँ पे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आना चाहिए बढ़िया है स्टूडेंट को आना चाहिए बहुत है नहीं, नहीं, तो चाहने को तो बंदा मस्टैंग भी ले सकता है दो साल के अंदर अंदर वो उस पर डिपेंड, डिपेंड करता डिपेंड है की कि वो कितना बेकिंग की है लेवल फोर इसमें लेवल फोर और फाइव होते है तो उसके बाद बस फिनिश कॉलेज और जॉब ओपन वीजा वर्क वीजा नहीं इसमें ओपन और वर्क वीजा कुछ नहीं आपको एक्रीडेशन एम्प्लॉयर ढूंढना पड़ेगा तो उसे वीजा लगवाना पड़ेगा आगे वाला ओके तो भाई आपका क्या स्टडी है मेरा मास्टर्स ऑफ अप्लाइड प्रोफेशनल स्टडी मैं आपको एक मिनट माइक दे देता हूं है ना ये, ये इसको यहां पे रख लो तो कौन सा लेवल है आपका ब्रो तो? हां लेवल 9 लेवल 9 की स्टडी लेके आए हो यस yes. कितनी फीस है आपकी इट्स अप्रोक्स 40000 डॉलर्स

और एसओपी मैंने बहुत अच्छी लिख के दी थी अपने हिसाब से और मतलब सीधी ए आई पी आई और मैंने थर्ड ऑफ जून को अप्लाई किया था और उसके बाद मेरा मतलब ऑफ मार्च को मेरी ए आई पी आ गई पी में ऐसा तो क्या लिखा था कि आपको मतलब जैसे जो मैंने ऑस्ट्रेलिया में गलती की थी कि मैंने एसओपी खुद ना बना के किसी पे छोड़ दिया था तो वो मैंने इस बार वो गलती नहीं की जो मेरे को लगा कि मेरे को खुद से जो दिल में आया मैंने वो चीजें लिखी हैं जो मेरे को लिखनी चाहिए थी मेरे अकॉर्डिंग

और माइग्रेशन एक्ट ना लग जाए मैंने उन मैं डायरेक्ट एसओपी में लिखा था कि अगर मेरे को ये कोर्स होता है तो मैं वर्क परमिट मेरा मैं जरूर अप्लाई करूंगा क्यों क्योंकि मैं यहां का एक्सपीरियंस लेके देखना चाहता हूं कि यहां का ऐसा क्या है जो हमारी कंट्री में नहीं अच्छा हाँ ये और फिर आपका जो लेवल 9 है उसके बाद वर्क वीजा ती, साल का तो कितने साल की स्टडी है आ, तीन सेमेस्टर आएंगे यस तीन सेमेस्टर उसके बाद 3 साल का वर्क परमिट ओपन वर्क फिर आपको टीचर के लिए अगर चाहिए तो कैसे करोगे? Uh, कि एक, तो तो एक, मतलब, एक साल का एक्सपीरियंस होते ही मेरी पीआर हो सकती है तो, तो me, अगर आपको टीचर का तो रजिस्ट्रेशन भी लेना पड़ेगा हाँ जी क्योंकि मेरी एक चीज़ और यहाँ पे मेरी जो इंडिया की बीएड है वो यहाँ असेस हो जाएगी तो मेरी वो सुनने में जितना कि मैंने रिसर्च किया उसके अकॉर्डिंग वो यहाँ की किसी प्राइमरी या सेकेंडरी के इक्विवेलेंट आ सकती है आ, टीचिंग के लिए बस यही चाहिए या फिर और कुछ रिक्वायरमेंट होते हैं मेरी शिष्य के लिए बस यही चाहिए क्योंकि डिग्री होनी चाहिए बस वो अपने असेसमेंट पोर्टल है इनके वहां पे अपनी डिग्री वगैरह डालो वो कुछ टाइम में लव असेस करके आपको उसकी इक्विवेलेंसी दे देते दे दे हैं यहां पे क्या ओके तो मैंने जहां तक मुझे पता है कुछ 6.5 बैंड भी चाहिए यस में हां 6.5 चाहिए इस कोर्स में आने के लिए और टीचिंग के लिए मतलब जब असेसमेंट उसके बाद रजिस्ट्रेशन के लिए भी उतने ही चाहिए मतलब 6.5 नॉट लेस देन 6 तो लेवल नाइन के स्टडी के लिए कितने बेंच चाहिए अपने लिए अह मेरे को इस कोर्स के लिए 6.5 ओवरऑल नॉट लेस देन 6 5, overall, 6 से नीचे एक भी नहीं चलेगा या भाई आपका फोर एंड फाइव का था तो उसमें कैसा था उसमें लेस देन 5

नहीं सोचता तो नहीं निकला भी नि, निकली बात का है। मतलब क्या होता है कि समझो कि अगर आपने एक साल में पचास हजार डॉलर कमाए है, हैं जैसे कि और खर्चे आ जाते हैं फोन वगैरह हो गया कार होगी और इधर उधर लग जाते हैं सेविंग होती है बट इतनी नहीं होती जब बंदा करनी चाहे तो हो भी जाती है कोई ऐसा इश्यू कौन सा फोन है आपके पास आई फोन फिफ्टीन प्रो मैक्स लिया इसको साल हो गया

आपके पास फिफ्टीन तो हो गई नहीं छोटा जितना मेरे लिए ठीक है मेरे को सही है नहीं वही बात होती है ना देखो एक दो मंथ ये में ये भी चेंज हो जाएगा दो दो सो निकलेगा लेगा बात है सब हो जाएगा जहाँ तक मुझे पता है ना ब्रो अगर आप पांच लाख भी कमाते हो ना तो आप बीस हजार के जूते नहीं पहनोगे नहीं पहनोगे लेके ले लाइक जब भी अभी सिक्सटीन आ रहा है ना तुरंत ही नहीं ले लोगे 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 टाइम के बाद बस नेक्स्ट मंथ बुकिंग चल जाएगी इसकी वो भी करेंगे यहाँ पर तो सारे बंदे नहीं लेता ले ले है मुझे 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 पता है है ना कि कि ओवरसीज में आके हो ही जाती है, कि आप गुकी के कपड़े पहनने लगते हो अच्छे जूते होते हैं आपके पास फोन वगैरह बहुत बढ़िया हो जाता है सो लाइक स्टूडेंट्स को मैं यही कहना चाहता हूँ की यार ये रिस्क है ले लो हाँ लाइफ अच्छी हो नहीं अगर आप पे डिपेंड है जितना मैन को भी सात आठ दिन ही हुआ अभी आए को बट अगर आप बंदा चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है

हम लोग प्यार है हमें पता है ही anyway, you इंस्टाग्राम भैया आपका भी अगर हाँ किसी को हेल्प uh, चाहिए आपकी वीजा के रिगार्डिंग या फिर जैसे आपकी एसओपी की नॉलेज मुझे बहुत अच्छी लगी तो कुछ क्वेश्चन हो गए तो आपको पूछेंगे तो ट्राई करना आंसर देने की ऐसा नहीं की आंसर करो ही करो बट ट्राई करना अगर पॉसिबल हुआ तोंक यूं